यार लाइफ में ना हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही होता है, आज भी ऐसा ही हो गया। साइड में ले चलो, साइड में। अरे 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 अरे, ये देखो कैसे नाच रहे दोनों, गाड़ी स्टार्ट हो गई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग देखो, चेक करो, लोकेशन बिल्कुल अलग हटके होने वाली है, बिकॉज आज का ब्लॉग अलग जगह से, अलग लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है और अलग ही ब्लॉग होने वाला है, बिकॉज बहुत दिनों से हम ड्रैग रेस बना रहे थे, तो आज हम ड्रैग रेस नहीं बना रहे, आज मेरे भाई रिबॉन राइडर को गोप्रो लेना है और वो हमें जाना है बाहर। हमारे लोकल मार्केट में मिलता नहीं है गोप्रो, तो इसलिए हमें करीब रुद्रपुर जाना होगा। तो आज का राइड रहने वाली है रुद्रपुर की, तो वो लोग आगे निकल गए, तो मैं जल्दी जल्दी में आया हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, इसलिए मैंने इंट्रो जल्दी जल्दी में बनाया और लोकेशन भी चेंज है थोड़ी सी, तो उसके लिए सॉरी। तो डायरेक्ट अब सीधे चलता हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत आगे पहुँच गए होंगे, वो लोग बहुत देर का निकल गए थे और मैं फ्यूल अप भी कराना था मेरे को, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया मुझे। और तो बाकी तुम्हें बता दूँ यार, कभी अगर गोप्रो लेना हो ना, तो मतलब सजेशन लेना चाहो तो कमेंट में एक बार पूछ देना, पर्सनली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी में। अगर स्टार्टअप करते हो मोटो ब्लॉगिंग, तो उसके लिए कौन सा लेना, कैसे क्या मोटो ब्लॉगिंग स्टार्टअप करनी है, सारा मैं डिटेल्स में बता दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ देखो। मोटो ब्लॉगिंग जब स्टार्ट करते हो तो बहुत से मन में ख्याल आते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सीन ये होता है कि हम अपनी लाइफ में ना यूट्यूब में अगर आना चाहे तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर और कुछ एबिलिटी नहीं है, तो मैं मोटो ब्लॉगिंग करने लगूँ, मोटो ब्लॉगिंग में मेरे को एबिलिटी है। तो जस्ट सीन मेरा भी सेम यही सीन यही था कि मैं यूट्यूब में बहुत टाइम से पहले से वीडियो बनाता था, बट सीन ये हुआ कि कभी कंटिन्यू नहीं रह पाया। इससे पहले मेरा एक चैनल था, मैं बायोग्राफी बनाता था, मैंने उसमें भी दो चार वीडियो बनाई, ज़्यादा तो नहीं बना पाया, बिकॉज सब कुछ सारी एसेसरीज नहीं थी मेरे पास उस समय। तो एट लास्ट मैंने अपना लास्ट ऑप्शन मोटो ब्लॉगिंग का सोचा, तो ये मैं लास्ट ऑप्शन है मेरा मोटो ब्लॉगिंग। तो मैं बता दूँ, फिलहाल आज का ब्लॉग भी स्पेशल रहने वाला है, बिकॉज स्पेशल यूँ है कि मोटो ब्लॉगिंग के लिए एक नया आइटम परचेज करने जा रहे हैं। लाइफ में ना प्रॉब्लम है यार, मत बचो यार, इतनी चल रही है ना यार, बहुत ज़्यादा, मतलब एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता नहीं, तो प्रॉब्लम आ जाती है। मैं कोई भी प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन निकालूँ ना, मेरे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूसरी से खड़ी हो जाती है। मतलब यार एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालना, एक प्रॉब्लम आ जा रही है, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वही है। मतलब कहीं से खुश हो ना, थोड़ा सा भी खुशी होती है, तो कहीं से ना कहीं से एक गम पीछे से लगा रहता है, एक खुशी के बाद एक गम है मेरी लाइफ में, पक्का है। मैं थोड़ा सा भी खुश होना चाहूँ तो नहीं हो पाता हूँ भाई, बहुत टेंशन है लाइफ में यार कसम से। यूट्यूब करियर का भी सीन ये है कि वीडियो तो मैं कंटिन्यू अपलोड करता हूँ, बस सीन ये होता है कि कभी कभी रीच अच्छा आ जाता है, मतलब फीडबैक अच्छा मिल जाता है, व्यूज़ अच्छे पड़ जाते हैं, तब तो दिल खुश हो जाता है। बट कभी कभी सीन ऐसा हो जाता है ना, कंटिन्यू 8-10 वीडियो भी अपलोड कर दूंगा ना, बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते, और मतलब मेहनत के मुताबिक व्यूज़ नहीं आते, मतलब यार मत पूछो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। जब यार तुम्हें पता है कि अगर तुम किसी चीज़ में ना दिल से मेहनत करोगे ना, मतलब किसी भी चीज़ में A to Z तुम किसी भी चीज़ में दिल से मेहनत करोगे ना, बाई चांस अगर तुम उसमें सक्सेस नहीं पाते हो ना, तो दिल पे चोट लगती है, और दिल की चोट तुम्हें पता है बहुत गंदी होती है भाई, मतलब दर्द सहन नहीं होता है दिल का। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, पता नहीं मतलब YouTube वाला क्या चाह रहे हैं हमसे, कि मतलब YouTube में भी ना ऐसा होता है कि जो ऊपर लेवल का है ना बस उसे ही उठाते हैं, जो डाउन लेवल का है ना उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते YouTube वाले भी। तो पता नहीं यार, मतलब कभी कभी तो लाइफ में ऐसा होता है ना कि YouTube छोड़ दूँ, क्या करूँ, करूँ नहीं करूँ। और सीन ये भी होता है कि अगर मैं YouTube छोड़ दूँ, तो मेरे को लगता है मैं इतने आगे आने के बाद अब YouTube छोड़ता हूँ, तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा गलत होगा ये। तो मैं यार इस चक्कर में YouTube भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, और मुझे पता है अगर मैं YouTube छोड़ दिया ना, तो मैं बाद में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने वाला हूँ, इसलिए मैं YouTube नहीं छोड़ रहा हूँ भाई। मतलब लाइफ में ना यार कसम से, मैं किसी से भी टच में रहता हूँ ना, तो वो किसी बंदा हो बंदी हो, मतलब कोई भी लड़का लड़की, कोई भी मतलब चीज़ है, कोई भी आइटम, मैं किसी के टच में रहता हूँ ना, तो वो कुछ टाइम तक मेरे साथ सही रहता है, कुछ टाइम बाद वो भी अपना मतलब कहीं ना कहीं से कुछ टाइम तक तो खुशी देगा, फिर कहीं ना कहीं से वो कुछ टाइम बाद गम देने लगेगा, पहले ही वो कुछ भी चीज़ हुई कुछ भी। तो फिलहाल चेक करो, ये है अपना हाईवे, और रिवॉन राइडर और संगी राइडर पीछे आ रहे हैं, तो इस में थोड़ा सा एक आध विली मारता हूँ। विली पढ़ने वाले भाई लोगों चेक करो गाइस, चेक करो, ओ तेरी नहीं पड़े, अरे क्या हो गया भाई, नहीं हो रही है यार, ओ तेरी आपकी पड़ी तगड़ी पड़ी भाई, तगड़ी पड़ी, इस बार भी देखना, ओ तेरी भाई, अब मज़ा आ रहा ना भाई तगड़ी वाली। अब एक बार फिर से थोड़ा सा ट्रैफिक निकलने था, जस्ट ये ट्रैफिक निकलते ही अब देखना, ओ तेरी, मैंने स्पीड मतलब, ओ भाई
और तेरी भगा दे भाई भाई, चेक करो गाइस। मजा आ गया। अरे अरे क्या हो गया, पर क्यों नहीं रही आ गए? अरे थ्रॉटल में क्या हो गया? अरे भाई ये तो आगे ही नहीं जा रही, क्या हो गया गाड़ी में? एक मिनट भाई, एक्सीलेटर खराब हो गया, क्या हो गया भाई? बेबो ऐसी टेंशन मत देना। तो क्या हो गया यार गाड़ी में? थ्रॉटल ही नहीं खिंच रहा इसका, कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ यार गाड़ी अपने आप कुछ हो ही नहीं रहा, स्टार्ट तो हो रही है, देखो हो गई 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 हो गई। हाँ हाँ पता नहीं क्या हुआ यार, अपने आप कुछ हो ही नहीं रहा था इसमें। पता नहीं यार, यही टेंशन गलत होती है। एक तो अभी ऐसे समय पे तो प्रॉब्लम आ गई, और डर भी लग रहा है आगे जाऊं नहीं जाऊं क्योंकि हम इतनी दूर जा रहे हैं, अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई तो साला सॉल्यूशन भी नहीं होगा। अरे हो क्या रहा है बाइक में भाई? फ्यूल व्यूल तो सब पड़ा के आया हो ना? अरे भाई झटके भी पड़ रहे हैं, एक बार जरा अच्छे से देख ही लूँ यार, फिर कोई प्रॉब्लम आ गई क्या यार? कसम से जिंदगी तबाह, ये फिर प्रॉब्लम आ गई यार, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं यार। अरे भाई अब तो सेल्फी ले रही अब तो ये सेल्फ भी नहीं ले रही है यार। यार कभी कभी तो ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ के घर में बैठो आराम से यार। अरे अभी तो चली रही थी ये, अचानक से क्या हो गया इसे? पता नहीं बैटरी तो डेड नहीं हो गई, एक बार निकाल के देखूं बैटरी। यार चलती हुई गाड़ी ऐसे बैटरी में कुछ थोड़ी हो सकता है। अरे यार दिक्कत सिर्फ फर्स्ट टाइम ही देती है, मतलब मैं कोल्ड स्टार्ट करता हूँ तब देती है, ऐसे नहीं देती है। आज ये फर्स्ट टाइम दी है ऐसी दिक्कत चलते हुए गाड़ी बंद हो गई। मतलब थ्रॉटल दे रहा हूँ, स्पीड में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अब सेल्फ नहीं ले रही है। आई थिंक इसमें कमी आ रखी है या फिर बैटरी से कोई इशू है, सेल्फ ही नहीं ले रही है। सेल्फ ही नहीं ले रही है? ना ना अभी सेल्फ ही ले रही थी यार, अब क्या करें? पता नहीं है बंद हो गई है फिर से। अरे यार अरे भाई सही करवा लो भाई, क्या दिक्कत दे रही है बार-बार। तब पता चल जाता तो फिर स्टार्टिंग ही हो रही है। हां कितनी देर से आए तुम? अरे नहीं अभी तक तो हो रही थी, अभी एक बार धक्का लिया फिर अभी बंद हुई, फिर अचानक से स्टार्ट हो गई थी, अब वो फिर वापस से बंद हो गई। अभी पहले से ही दिक्कत कर रही थी इसकी बैटरी में, पहले से दिक्कत हो रही थी, चलते समय थोड़ी हो रही थी दिक्कत, ये तो जब सुबह कोल्ड स्टार्ट कर रहा था तब हो रही थी, चलते समय आज तक नहीं हुई है, आज ही हुई प्रॉब्लम। चलते चलते अब सेल्फ नहीं ले रही है, पता नहीं बैटरी की दिक्कत होती तो सुबह होती, चलती गाड़ी बंद थोड़ी हो जाती, बैटरी खराब होती तो इसी जगह रोक रही गाड़ी। ये हाईवे पे मैकेनिक भी नहीं है यहाँ, या तो आगे तक हमें कहीं दूर दूर तक मैकेनिक यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं। खुद ही करके देखते हैं, थोड़ा बहुत तो आता ही है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, करना पड़ेगा यार। अब हाईवे पे अगर गाड़ी खराब हुई तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो तिगड़म भिड़ाना ही पड़ेंगे। फिलहाल मैंने यूट्यूब से कुछ ऐसा देखा है कि ऐसे करते हैं तो हो जाता है सेल्फ पुल, कोई दिक्कत आएगी स्टार्ट होनी चाहिए। तो भाई ये सेल्फ भी नहीं ले रही है बिल्कुल भी नहीं, मैकेनिक की दुकान भी नहीं होगी यहाँ तो कहीं आसपास, रिलीज से नहीं हुआ है प्रॉब्लम भी। हम तो अच्छा खासा कर ले रहे हैं, ये पहले वहाँ पर एक बार फिर हो गई थी स्टार्ट। यार लाइफ में ना हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही होता है, आज भी ऐसा ही हो गया, आज अब तो काम भी आगे नहीं हो पाएगा, अब सोचो कि करना क्या है। इसीलिए मैं कह रहा था भाई एक बार इसको दिखा लो गाड़ी। अरे दिखाया था यार, वो बोला गाड़ी छोड़ जाना, अब क्या छोड़ जाना उसके यार, छोड़ने इतना टाइम थोड़ी कि छोड़ के जाऊं, फिर अगले दिन देगा वो, ये भी कह रहा कि अगले दिन दूंगा। अब बताओ यार अपनी गाड़ी किसी के यहाँ ऐसे कैसे छोड़ सकता है यार, बैटरी का उसने चेंज कर दिया, कुछ और पार्ट्स मेरा चेंज कर दिया, मैं क्या करूँगा कैसे करूँगा, इतना जेन्यून बंदा तो है नहीं कोई।
हैं? सामने सामने बनाए करके। सामने कह रहा है ऐसे प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी। यार लाइफ में हमेशा से ऐसा ही लोचा लगाया यार, बहन बड़ा दिमाग खराब होता। कभी कभी तो लगता है कि यूट्यूब छोड़ दो, मेरा तो मन करता है यार छोड़ो हटाओ, बहुत हो गया, थक गया यार मैं एंकर वीडियो बनाते बनाते। वीडियो बना के भी कुछ होता नहीं है, अब ये टेंशन फालतू की मिल जाती है इतना पता है भाई। ये बस संघर्ष चल रहा है और क्या, संघर्ष संघर्ष, थक गए यार संघर्ष भाई। तो क्या करें यार बताओ, तो एक बार धक्का लगा के देखते हैं। ऐसे सिंगल धक्का मारोगे या गाड़ी से? सिंगल एक बार धक्का मार के देखते चलो। हाँ 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 बिल्कुल, दो बता देना कितने पे छोड़ना है भाई। देखो छोड़ू इतने में नहीं होगी भाई, और तेज दो धक्का। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, थोड़ा सा भी दुख धक नहीं बोला। तुम बैठो मैं धक्का दे रहा हूँ। फिलहाल भाई अभी संगी ने एक बार धक्का लगाया, स्टार्ट तो हो गई थी, थोड़ी जान में जान आई। इस बार मैं लगा रहा हूँ धक्का भैया, स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा, छोड़ो छोड़ो। अरे हो रही है यार, भक्कु भक्कु तो बोल ली है भाई। तो सीन ये भी हो गया, अभी जस्ट स्टार्ट हो गई थी थोड़ी सी, तो रिवन ने जैसे स्टैंड नीचे करा तो फिर से ऑफ हो गई। अब ये भी हो सकता है कि यार स्टैंड में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि स्टैंड में भी सेंसर लगा होता है इनके। तो मेरे ये पहले भी आ चुकी है प्रॉब्लम, जब मैं गाड़ी वॉश कराता था ना उसके बाद भी स्टैंड चाहे ऊपर रखूँ चाहे नीचे करूँ नॉर्मल स्टार्ट नहीं होती थी बाइक। तो हो सकता है इसके स्टैंड के सेंसर में कुछ आ गई होगी। तो अब फिलहाल टो करके गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे यार, एक यही ऑप्शन है, नहीं तो अब धक्का दे के ले जानी पड़ेगी गाड़ी, बिकॉज यहाँ आसपास में तो कहीं मैकेनिक की दुकान है नहीं। चलो सेकंड गियर में डाल दूँ बाइक, चलो। हाँ देना, मैं क्या कद्दू ब्रेक मार रहा हूँ। हाँ चलो चलो। अब फिलहाल सेकंड गियर पे डाल लो, छोड़ो। अरे हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई भाई, अरे मिस कर रही है अभी। हो गई हो गई हो गई, अब की बंदी नहीं करूंगा, हो गई। नॉर्मल छोड़ने में भी स्टार्ट हो जा रही है भाई। एक बार स्टैंड नीचे करके देखूं क्या? एक बार स्टैंड नीचे करके देखो, स्टैंड नीचे करके, स्टैंड नीचे करके कहीं सेंसर में दिक्कत दे जाएगा, तो क्या दिक्कत दे रहा होगा तो इसका। यार ये तो एक तो उसमें भी ना स्टैंड में भी बहुत ज़्यादा ऑयलिंग हो रखी है, क्या पता स्टैंड का सेंसर खराब हो रखा हो। अच्छा, क्योंकि इससे पहले सेल्फ भी नहीं ले रही थी, हो सकता है स्टैंड का ही स्टैंड प्रॉब्लम होगी, वरना यार सेल्फ तो लेती थोड़ी बहुत, घिर घिर तो बोलती। ऐसे ही चलना है, इस बंद नहीं करूँगा गाड़ी, स्टैंड लगाऊंगा ही नहीं, सीधे घर जाके रखनी पड़ेगी यहाँ मैकेनिक की दुकान पे। चलो फिर आगे कोई मैकेनिक की दुकान होगी तो एक बार चेक करवा लेंगे वहाँ। अरे यहाँ लोकल में आ रही है बाइक, देख नहीं पाते हैं लोकल के एजेंसी। हाँ सीधे एजेंसी खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी, खटीमा ही चलना है। चल कोई नहीं, तुम आधे काम के लिए कल चल देंगे, कल परसों में गोप्रो लेने, कल परसों चल देंगे, परसों चल देंगे, प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन निकल जाए यार। पता चल रहा है रुद्रपुर जाके खराब हो गई, फिर कहाँ ले ले घूमेंगे वहाँ, कहीं बड़ी प्रॉब्लम निकली तो और दिक्कत। फिलहाल एट लास्ट दोस्तों बाइक स्टार्ट हो गई, घर जाके अब सबसे पहले इसकी कमियाँ सारी दूर करनी है। इसमें मैं कमी बताऊँगा ना तो यार बहुत कमी है भाई, बहुत कमी है, बहुत कमी भाई। अब गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, अब मेरे को सीधे सीधे जाके सीधे मैकेनिक की दुकान पे, मैकेनिक भी यहाँ लोकल में तो कोई कर नहीं पाएगा बाइक ठीक, बिकॉज यार KTM की गाड़ी जो एजेंसी के अलावा बहुत ही कम लोग ही हैं जो हाथ लगाते हैं, तो मेरे को स्लोली स्लोली ले जानी पड़ेगी। ज़्यादा तेज़ भी भगाऊंगा तब भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं उस समय ज़्यादा तेज़ भी भगा रहा था और विली भी कर रहा था, तो उसमें हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई हो। सेंसर की दिक्कत है मेरे को लग रहा है, बिकॉज सेल्फ बिल्कुल नहीं ले रही थी, मैं सेल्फ मार रहा था बिल्कुल टूट है, कुछ भी आवाज़ नहीं कर रहा था, हल्का सा भी सेल्फ नहीं ले रहा था। तो अभी तो फिलहाल स्टार्ट हो गई है, अभी जाके वॉश भी करानी है गाड़ी। और तुम्हें पता है यार मैं वॉश इसलिए नहीं करा रहा था, बिकॉज वॉश कराता हूँ ना तो मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो बाइक सेल्फ में प्रॉब्लम करती है, वही वाला सीन हो जाता है। बाइक में प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम्स हैं यार, क्या करो लाइफ में। तो अब देखते हैं क्या रहता है सीन, घर जब कोई निकलना है यार, अब प्लान हमारा कैंसिल हो गया, जा रहे थे रुद्रपुर कैमरा लेने, अब कैमरा तो ले नहीं पाए, अब किसी और दिन जाएंगे,
प्लान बना के, बिकॉज आज हो गया टाइम बहुत, गाड़ी में प्रॉब्लम भी है। अब यार टाइम तो चलो जैसे जैसे मैनेज कर लेंगे हम, बट सीन ये है कि आगे जाके और कहीं रुद्रपुर एरिया में कहीं ख़राब हो गई गाड़ी तो कहाँ कहाँ ले उसे फिरते रहेंगे इधर उधर, वहाँ भी दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बेटर जब तक गाड़ी पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए तब तक गाड़ी ले जाना कहीं बाहर ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हमने सीधे घर को ही आना चाहा। फिलहाल यार गाड़ी में जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना तो कसम से दिल में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है ये सोच लो। और मेरे साथ तो पता नहीं यार, मैंने अक्सर देखा है मेरे साथ हमेशा होता है ये हमेशा। भाई अभी तो मैं सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा कहीं से डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ बड़ी प्रॉब्लम ना हो गई हो, बिकॉज यार बिल्कुल सेल्फ नहीं ले रही थी। और बिल्कुल सेल्फ नहीं लेने का मतलब यार धक्के से हो रहा था कि कहीं इंजन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ गई, इंजन सीज तो नहीं हो गया, बिकॉज इंजन सीज जो होता है तभी सेल्फ लेना बिल्कुल बंद कर देता ना, थोड़ा सा भी मतलब सेल्फ नहीं ले रहा था। तो अब यार मेरे को लग रहा है सेंसर में ही प्रॉब्लम है, तो बाकी का मैं तुम्हें यार बाकी का देखते हैं अभी, घर जाके सीधे शोरूम पे ही बाइक को दिखाते हैं, यहाँ लोकल में तो कोई देख नहीं पाएगा, थोड़ी मोटी प्रॉब्लम तो देख सकता है बट सेंसर की प्रॉब्लम यहाँ नहीं देख पाएगा कोई भी। तो बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू टाटा बाय बाय दोस्तों।